तो गाइस गैलरी देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है, दोनों तरफ ही लगाए हुए हैं इन्होंने फूल। यहाँ पर ये वोटिंग हो रही है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ये नेचुरल वाटरफॉल है, ये जो आपको चेहरे दिख रहे हैं इनके ही इसके अंदर स्टैचू बने हुए हैं। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा था, हम गए थे कैंपटी वाटरफॉल पर, बहुत ही ज़्यादा हमने वहाँ पर इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। और अभी हम जा रहे हैं कंपनी गार्डन। अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे चारों तरफ कितनी पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए गाइस चारों तरफ बहुत ही अच्छी हरी भरी पहाड़ियाँ यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अभी हम कंपनी गार्डन के लिए निकल रहे हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते का व्यू किस तरीके से है और वहां पर जाकर कैसा व्यू रहेगा आपको हम पूरा दिखाएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कंपनी रोड पर और अभी अंदर चल रहे हैं। इसमें देखते हैं अभी मतलब है तकरीबन 200-300 मीटर, तो गाड़ी अंदर ही लेकर चल रहे हैं। पार्किंग वगैरह की स्लिप हमने ले लिया अंदर जाने के लिए पूरी। तो अभी वहां से दिखाते हैं आपको किस तरीके का यहाँ पे पूरा व्यू है। वैसे तो गाइस आप देख ही रहे हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अभी और उतरने के बाद दिखाते हैं आपको किस तरह का व्यू है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, शानदार एकदम। तो गाइस यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है अपनी और अभी चलते हैं कंपनी गार्डन के अंदर, अभी एंट्री करते हैं। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से एंट्री है और फिर अंदर चल के दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू किस तरीके से आता है। कंपनी गार्डन का जो टिकट है 50 रुपये पर हेड है। तो गाइस अभी हमने टिकट ले लिए हैं, 50 रुपये पर पर्सन का टिकट है और अभी चलते हैं, यहाँ से एंट्री होगी। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर टिकट दिखाकर ही हमें एंट्री करनी पड़ेगी। और ये जो है कंपनी गार्डन की मार्केट शुरू हो गई है यहीं से, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ एंटिक चीज़ें हैं जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये एंटिक एंटिक चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ये देखो बॉल घुमा रहे हैं भाई, गन वगैरह रखी हुई है, पूरा शॉट वगैरह, गेमिंग जोन वगैरह है यहाँ पर पूरा। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं एंट्री करने के बाद यहाँ पर गार्डन शुरू हो चुके हैं और ऊपर यहाँ गेमिंग जोन वगैरह भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी हमने एंट्री की है और देखें यहाँ पर अलग कुछ अलग स्टाइल के पेड़ पौधे हमें देखने के लिए मिलेंगे, फूल वगैरह। तो अभी चलते हैं दिखाते हैं यहाँ पर क्या स्पेशल है इनका। अभी अंदर चल रहे हैं, काफ़ी है अभी अंदर। तो गाइस देख ही रहे हैं आप यहाँ पर गार्डन है और पेड़ पौधे जो हैं बहुत सारे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं अलग अलग। अभी चलते हैं यहाँ पर, कुछ वहाँ पर झरना वगैरह दिख रहा है आगे, तो आगे की साइड चलते हैं वहाँ देखते हैं जाकर कैसा लगता है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गार्डन की तरफ, ऊपर इसमें गार्डन बना हुआ है, वहाँ पर देखते हैं किस तरीके के पेड़ पौधे हैं। तो वहाँ चलकर हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। काफ़ी साफ सफाई है यहाँ पर और ग्रीनरी तो यहाँ पर है ही है पूरे उत्तराखंड में। गाइस जैसा कि देख रहे हैं आप यहां पर बहुत ज़्यादा फूल हैं और गार्डन काफ़ी अच्छा है, हरा भरा है, फ्लावर बहुत ज़्यादा है। तो ख़ास तौर से जो फ्लावर लवर हैं या जिनको फूल पसंद है, नई नई चीज़ें गार्डन लगाना पसंद है, वो यहां आकर विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छे अच्छे फूल हैं। मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर और गार्डन कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है और पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है। ग्रीनरी तो खैर पूरे उत्तराखंड में हर जगह देखने के लिए ही मिलती है हमें। और ये देखो ये नए नए पौधे हैं लगाए हुए हैं जो अभी हो रहे हैं, अभी उभर रहे हैं, इनका इसमें बीज डाला हुआ है। और ये देखो किस तरीके से इन्होंने गार्डन को सजाया हुआ है। तो गाइस गैलरी देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है, दोनों तरफ ही लगाए हुए हैं इन्होंने फूल, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और कितने प्यारे आ रहे हैं ये देखिएगा। तो यहाँ पर जो जिनको फूल ज़्यादा पसंद है या गार्डन अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं और नए नए तरह के फूल देखना चाहते हैं तो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने गार्डन को अच्छे से सजाया हुआ है, साफ़ सफाई का कितना ज़्यादा इन्होंने ध्यान रखा हुआ है। और ग्रीनरी तो खैर हर जगह ही है चारों तरफ और रंग बिरंगे कुछ अलग तरह के यहाँ पर हमें फूल देखने के लिए मिल रहे हैं जो अभी तक हमने नहीं देखे थे। तो आप आ सकते हैं या देख सकते हैं, काफ़ी प्यारे फूल वगैरह हैं। और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें देखने के लिए। तो अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं, आगे कुछ गेमिंग जोन है, वोटिंग वगैरह है, तो कुछ करते हैं इंजॉय, अच्छा सा आपको दिखाते हैं यहाँ इसमें कुछ अलग गार्डन में। और ये जो फूल आप देख ही रहे हैं तो काफ़ी यूनिक सा लग रहा है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, वेदर का भी काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है। तो गाइज आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ये नेचुरल वाटरफॉल है और कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर हरा भरा गार्डन था, नीचे ये पानी आ रहा है और इधर से होता हुआ ये नीचे जा रहा है, पूरा पानी इस तरफ नदी की तरफ जा रहा है, नीचे नदी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पर, इतना हरा भरा है और मौसम काफ़ी प्यारा है।
बहुत ही शानदार है गाइस। ऊपर से जो वाटरफॉल आ रहा है इसका जो पानी आता है सीधा इधर, इन्होंने स्विमिंग पूल गार्डन तरीके से कुछ बनाया हुआ है झील टाइप में, तो यहाँ पर आ रहा है। नीचे चलते हैं आपको दिखाते हैं जहाँ पर सारा पानी है स्टोरेज कर रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए बड़ों के लिए कुछ बोटिंग वगैरह कराई हुई है। देखिएगा आप कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। ये देखो गाइस इन्होंने यहाँ पर इस पानी को स्टोरेज कर रहे हैं, ये देखिएगा तो बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं काफ़ी और इन्जॉय कर रहे हैं। अभी आपको बताते हैं यहाँ का क्या टिकट है। जैसा कि हमने आपको बताया था गार्डन में एंट्री करने के जो लगता है वो 50 रुपये का टिकट है। एक छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रेन वगैरह टॉय ट्रेन ये सारी चीज़ है, फूड कोर्ट है सामने हमारे, और भी एक्टिविटी हो रही है, गेमिंग जोन जो है। अभी चलते हैं आपको एक एक करके सारी चीज़ दिखाते हैं। ये देख लीजिएगा वोटिंग जो हो रही है यहाँ पर, ये वोटिंग हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस जैसे कि स्टार्टिंग में गेमिंग वगैरह थी ऐसे ही यहाँ पर गेमिंग वगैरह है। और देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ टेलीस्कोप जो दूर तक यहाँ से दिखाता है। ये चीजें जो यहाँ पे देख पाएंगे आप, चार्ज वगैरह यहाँ क्लियर लिखा हुआ है इन्होंने। चलते हैं अभी आगे दिखाते हैं आपको किस तरीके का व्यू आ रहा है। ये देखिएगा गाइस ये जो वोटिंग कर रहे हैं इसका जो प्राइस है 100 रुपये प्रति 15 मिनट का है। और ये गेमिंग वगैरह यहाँ काफी सारे हैं, बहुत सारे फूड कोर्ट भी है, काफी अच्छा व्यू है इसका। और सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्लावर्स ही हैं। यहीं पर ये फूड कोर्ट वगैरह बना हुआ है, कुछ गेमिंग जोन भी है, इधर भी गेमिंग जोन है, और ऊपर ये वैक्स म्यूजियम है जिसके अंदर स्टैचू वगैरह बने हुए हैं। ये जो आपको चेहरा दिख रहा है इनके ही इसके अंदर स्टैचू बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं 118 रुपये का इसका टिकट है। टोटल स्टैचू है वो 29 है, 29 लोगों के स्टैचू है, तो आप उनको देख सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं। हम तो गए नहीं बिकॉज हमें इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीज़ों में, तो इसलिए तो गाइस हम कंपनी गार्डन में घूम लिए हैं। ज़्यादा अच्छा नहीं है, टिकट वगैरह भी 50 रुपये भी नॉर्मल, मतलब 50 रुपये भी मतलब ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा 50 रुपये का। इसका जो टिकट होना चाहिए 15 या 20 रुपये का टिकट होना चाहिए, काफ़ी महंगा टिकट दिया है। 50 रुपये का टिकट ज़्यादा है, इतना अच्छा नहीं है जितना इसका टिकट है। इसके अंदर जो एक्टिविटी है उनका अलग से चार्ज है, तो इसलिए 50 रुपये हमें तो टिकट ज़्यादा लगा है। और आप कमेंट करके बताएं आपने देख लिया है पूरा, कि आपको कैसा लगा है, टिकट कम है या ज़्यादा है।